काशीपुर में फेडरेशन ऑफ इंडिया टोंग इलमोट डो के अंतर्गत देश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए 2 दिवसीय खेलों का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें देश के 13 राज्यों के बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। काशीपुर में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए 13वीं जूनियर नेशनल टोंग इलमोट डो का 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। फेडरेशन के अध्यक्ष मनोज तिवारी और जनरल सेक्रेटरी मुकेश कुमार की अध्यक्षता में देश के 13 राज्यों के बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं चैंपियनशिप में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ी रहे, जिनको ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। वहीं अन्य राज्य के खिलाड़ियों को मेडल और सर्टिफिकेट दिए गए। इन राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने वाले सभी बच्चे 5 साल से 18 साल की उम्र के थे। देखिए, खेल का देश के प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। किसी भी देश को जब आप दूसरे देश के साथ में कंपेयर करते हैं तो 3 चीज़ें होती हैं, एचडी है, लिटरेसी रेट, एजुकेशन और आपका जीडीपी, और चौथा जो स्तंभ होता है वो खेल का होता है कि कितने मेडल्स आपने ओलंपिक्स में या एशियन गेम्स में या कोई भी इंटरनेशनल मंच पर दिए हैं। तेरहवीं राष्ट्रीय स्तर पर टोंग इलमोट डो चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज काशीपुर स्टेडियम में हो रही है, जिसमें 13 राज्य हमारे भाग कर रहे हैं और जो है 120 खिलाड़ी के लक्ष्य हम लोग खेल रहे हैं यहाँ पर। और मैं नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी मुकेश कुमार यहाँ पे ऑर्गेनाइजर भी हूँ और नेशनल अभी चैंपियनशिप का, और मेरे साथ कोषाध्यक्ष किरण मैम हमारी दिल्ली से आई हैं, और साथ ही उत्तराखंड के प्रेसिडेंट आकाश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, और यूपी जनरल सेक्रेटरी सागर जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ बच्चे फर्स्ट टाइम टोंग इलमोट मार्शल आर्ट जो है उत्तराखंड में प्रमोट हुई। अभी हमने इससे पहले डिस्ट्रिक्ट, स्टेट ताते और आज नेशनल ऑर्गेनाइज किया है, और आगे भी बच्चे हमारे इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में खेलेंगे। लेकिन कोई बच्चा संघर्ष करता रहता है, चोटें लगती है, चलता रहता है, गिरता कभी नहीं। अगर गिरे और उसको चोट लगे तो वह बैठ जाएगा, बोले माँ मैं नहीं चल पाऊँगा, मेरे तो अभी घुटने में लगी, इससे ज़्यादा भी लग सकती है। प्रयत्न करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। कहते हैं तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है कोई अवतार नहीं, जब उठ दौड़ भाग, कई बार गिरेगा हर बार नहीं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।